हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज सिस्टर्स एकेडमी। सो गाइस, अगर अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो जाके, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग को पता है, मैं अन अकेडमी में लाइव पढ़ाती हूँ। सो अगर आप लोग को लाइक NTA-UGC नेट की प्रिपरेशन एकदम सीरियस लेवल पे जाके करनी है, देन जस्ट गो फॉर अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। अब ये क्या है, लाइक हमारे अन अकेडमी प्लेटफॉर्म में प्लस कोर्सेज होते हैं जिसमें आपका पूरा सिलेबस विद MCQs, PYQs, क्रैश कोर्सेज, पूरा का पूरा सिलेबस कवर होता है। एंड हमारे टॉप एजुकेटर्स जो हैं ये कोर्सेज कंडक्ट करते हैं। साथ ही साथ आपके वीकली क्विजेस भी अवेलेबल होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं। सो ये पेड वर्जन है ऑफकोर्स अन अकेडमी में, लेकिन फ्री वीडियोज भी डली रहती है, आप उनको जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो है लिंक शेयर कर रखा है, सो आप प्लीज उसको फॉलो करो। देन आप मेरा रेफरल कोड भी यूज कर सकते हो जो कि है Soumya Singh-5273, ठीक है। ये रेफरल कोड यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा जो कि एक अच्छा खासा डिस्काउंट है। एंड 10% का डिस्काउंट ना आप क्रेडिट पॉइंट से भी अवेल कर सकते हो। आप अन अकेडमी में जाके देखो, आपको क्रेडिट पॉइंट समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करते हैं, राइट। अब ये हमारा एक और टैबुलर चार्ट का क्वेश्चन है, एक नया टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे हम लोग ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, सो वैसा ही ये क्वेश्चन एकदम डिफरेंट है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे लाइक एक क्लास का डेटा दिया गया है, ठीक है। एक क्लास है 9th क्लास, उसमें 4 सेक्शंस का डेटा है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, ठीक है। नाउ आपके पास रिजल्ट का डेटा दिया गया है कि कितने बच्चे जो है दोनों एग्जाम में फेल हुए, देन कितने बच्चे हाफ ईयरली में फेल हुए लेकिन एनुअल एग्जाम में पास हो गए, देन कितने बच्चे हाफ ईयरली में पास हुए लेकिन एनुअल एग्जाम में फेल हो गए, एंड कितने बच्चे दोनों एग्जाम में पास हुए, ठीक है। तो ये लाइक पूरा डेटा आपको हर एक सेक्शन का अलग अलग दिया है, ओके। सो सबसे पहला काम था टेबल को अच्छे से देख लेना, जो कि हम लोगों ने देख लिया। यही चीज आपको एग्जाम में भी करनी है ध्यान से, ठीक है। अब चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग एन एग्जामिनेशन बी कंसिडर्ड अ क्राइटेरिया फॉर कंपेरिजन ऑफ डिफिकल्टी लेवल ऑफ टू एग्जामिनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो अगर हम लोग लाइक जो डिफिकल्टी लेवल है, चाहे वो एनुअल एग्जाम को या हाफ ईयरली एग्जाम का, अगर हम लोग उसको पासिंग बेसिस पे, जो पासिंग क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे चेक कर रहे हैं, तो लाइक हम लोग क्या देखेंगे कि कौन सा एग्जाम डिफिकल्ट है, हमें ये बताना है, ठीक है, कि कितने बच्चे पास हुए, उस बेसिस पे हम लोग डिफिकल्टी लेवल चेक करेंगे, ठीक है। तो ऑफकोर्स जिसमें कम बच्चे पास हुए होंगे वो ज्यादा लाइक डिफिकल्ट एग्जाम होगा, है ना। तो जितने बच्चे हाफ ईयरली एग्जाम में पास हुए, कितने बच्चे पास हुए, एक तो ये बच्चे पास हुए, राइट, और एक ये बच्चे पास हुए हाफ ईयरली एग्जाम में, मैं करेक्ट बोल रही हूँ ना। तो आप क्या करोगे, आप इन दोनों का एडिशन करोगे, ठीक है, इन सब का एडिशन कर लोगे। तो आई थिंक इसका एडिशन जो है वो जितना मुझे ध्यान है 288 आएगा, ओके। नाउ अब आप क्या करोगे, अब आप देखोगे कि एनुअल एग्जाम में जो है कितना बच्चा पास हुआ है। तो एनुअल एग्जाम में कितना बच्चा पास होगा, एक तो ये वाला बच्चा एंड एक ये वाला बच्चा, राइट। आई होप कि मैं कहीं गलत नहीं हूं, आपको समझ में आ रही है चीजें, है ना, ओके। तो ये एनुअल एग्जाम के बच्चे, आप इनका एडिशन कर लो, तो इसका भी जो एडिशन है वो भी 288 ही आएगा। तो क्या है, इधर भी इतने बच्चे पास हुए एंड इधर भी इतने बच्चे पास हुए, इसका मतलब क्या है कि दोनों ही एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो सेम है, ठीक है। मान लीजिए अगर एक का, मान लेते हैं हम लोग एक का 288 आता, एक का 300 आता, तो इसका मतलब क्या है कि जो एनुअल एग्जाम है उसमें कम बच्चे पास हुए, मतलब इसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हुआ, है ना। तो उस केस में हम लोग वो चीज करते, लेकिन यहाँ पे सेम है इसलिए दोनों का डिफिकल्टी लेवल जो है वो सेम ही है। आई होप कि क्लियर है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 9th इन द स्कूल। सो गाइस, क्लास 9th में कितने बच्चे, इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे हमेशा लाइक स्टूडेंट से गलत ही मिलता आया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उन लोग को क्या लगता है कि कुछ स्टूडेंट जो है यहाँ पे रिपीटेड लिखे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये वो बच्चे हैं जो दोनों में फेल हैं, ये बच्चे जो हैं जो एनुअल में पास है सिर्फ, ये हाफ ईयरली में पास हैं, ये दोनों में पास हैं। तो ये सारे के सारे बच्चे अलग हैं, कोई भी किसी के अंदर लाइक इंक्लूडेड नहीं है, या फिर कोई भी बच्चा जो है ऐसा नहीं है जिसका जो है नंबरिंग हमने दो बार करी हो, ठीक है। तो जितने भी बच्चे लाइक क्लास 9th में, वो क्या है, वो सब इनका एडिशन है, ठीक है। जितने भी नंबर्स हैं आप इन सबको ऐड करो, इन सब का एडिशन जो है वो क्या होगा, वो हमारा लाइक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे क्लास 9th के। आई होप कि क्लियर है, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
Now, which section has the maximum pass percentage in at least one of the two examinations? ठीक है, तो क्या है जिनका जो passing percentage है वो maximum है. ना पासिंग परसेंटेज किस सेक्शन का मैक्सिमम है. सो गाइस इसमें हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है. सेक्शन ए का देखो, सेक्शन ए में जो बच्चे पास हुए हैं हम लोग उनको देखते हैं. ठीक है, बच्चे पास कितने हुए हैं इसमें, एक तो ये वाले और ये वाले, राइट है ना. सेक्शन ए का निकाल रहे हैं सिर्फ हम लोग. एंड टोटल बच्चे कितने हैं सेक्शन ए में, दैट इज 28 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 64 है ना, इंटू 100. तो ये हमारा क्या आया, ये हमारा सेक्शन ए का पास परसेंटेज है. ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन बी के पास बच्चे ये हैं, सेक्शन सी के पास वाले बच्चे ये हैं, सेक्शन डी के पास वाले बच्चे ये हैं, राइट. सेक्शन ए का जैसे हम लोग ने निकाला ऐसे ही बाकी सेक्शन के निकाल लेंगे ना, हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल राइट. चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच सेक्शन हैज द मैक्सिमम सक्सेस रेट इन एनुअल एग्जामिनेशन. तो मैक्सिमम सक्सेस रेट जो है वो किसका है, हमारे एनुअल एग्जामिनेशन. सो गाइस एनुअल एग्जामिनेशन में कितने बच्चे पास हुए है ना, पास कितने हुए, ये और ये, राइट. तो हम लोग सेम वही चीज करेंगे जो लास्ट में किया था, लेकिन इस बार पासिंग बच्चे नहीं पूछे, सिर्फ एनुअल एग्जाम में कितने बच्चे पास है. तो एनुअल एग्जाम में कितने बच्चे पास है, 14 प्लस 64 राइट अपॉन टोटल नंबर ऑफ बच्चे है ना इंटू 100. तो ये मैंने किसका निकाला, सिर्फ सेक्शन ए का निकाला. ऐसे ही आप लोग सेक्शन बी का निकालो, सेक्शन बी में कितने बच्चे लाइक पास हैं, दैट इज 12 प्लस 55. तो 23 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 55 इंटू 100. ऐसे ही आप सबका आंसर निकालोगे तो क्या आएगा, जिसका जो परसेंटेज है सबसे ज्यादा आएगा वही हमारा आंसर होगा. आई होप कि क्लियर है ना. देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सेक्शन हैज द मिनिमम फेलियर रेट इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन. फेलियर रेट आप देखो कितने बच्चे फेल हुए, एक तो ये बच्चे फेल हुए होंगे हाफ ईयरली में एंड एक ये वाले बच्चे फेल हुएंगे, राइट है ना. तो आप सबका परसेंटेज निकालो, लाइक फेलियर रेट इन हाफ ईयरली अगर हम लोग सेक्शन ए का निकाल रहे हैं तो क्या होगा, 28 अपॉन प्लस 14 फिर 28 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 64, यही तो फेलियर रेट है हाफ ईयरली एग्जाम का. मैं सिर्फ एक ही का बता रही हूँ, ठीक है. तो मिनिमम फेलियर रेट किसका है, फेलियर रेट कम किसका है, तो यहाँ पे जिसका भी लाइक परसेंटेज सबसे कम आएगा ना वो हमारा आंसर होगा. गाइस सबके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन करके बताओगे आना. आई होप कि डीआई के ये क्वेश्चंस आपके क्लियर हैं. एंड इसी के साथ जो है टैबुलर फॉर्म के क्वेश्चन भी हम लोग इसी के साथ एंड कर रहे हैं. ओके थैंक यू.